हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य के पीएससी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड जो कनिष्ठ अभियंता जेई का जो साक्षात्कार होने वाला है उसके संबंध में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए और कुछ ऐसे बातें हैं कि जो हर अभ्यर्थी को ध्यान में देनी चाहिए और उनको उनको फॉलो करना चाहिए। और अभी क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है आपका, जो मेंस का, जो आपका जो रिटर्न का जो रिजल्ट निकला है और साक्षात्कार के दिन से पहले तक आपको जो प्रिपरेशन करनी है, उस प्रिपरेशन में क्या चीज़ आपको शामिल करना है, किन बातों को आपको ध्यान में देना है, वो मैं बताऊँगा इस वाले में सेक्शन में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो इंटरव्यू है हमारा, जो साक्षात्कार होने जा रहा है ना, वो जब भी होगा आपको ये पता तो है कि साक्षात्कार होना है और पर्टिकुलर कोई मेंबर्स होते हैं लोक सेवा आयोग में, और वो मेंबर्स यानी कि आयोग की जो फॉर्मेशन है, आयोग की फॉर्मेशन ये है लोक सेवा आयोग की कि वहाँ पे जो है अभी जो है करंट में जो है एक चेयरपर्सन है और उनके साथ 5 मेंबर्स हैं, राइट। और इन यानी टोटल हो गए 6 लोग। इनको इनका मैं आपको परिचय कराता हूँ। सबसे पहले जो है डॉक्टर राकेश कुमार जो चेयरमैन है और ये जो है एम्स के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो करंटली जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर राकेश कुमार हैं और ये मेडिकल मेडिकल के फील्ड के एक्सपर्ट ही हैं, राइट। और ये जो आप ये इनका जो है वेबसाइट में जा कर के इनका प्रोफाइल एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो भी अध्यक्ष हैं और जो भी मेंबर्स हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको एक तो ये पता चलेगा कि भाई ये जो एक्सपर्ट, ये जो मेंबर्स हैं या फिर अध्यक्ष हैं, क्योंकि देखिए ये हो गया डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा हो गए और डॉक्टर रविदत्त गोदियाल हो गए, मिस्टर अनिल कुमार राणा हो गए और ये दो फीमेल हैं आपकी, और मिसेज नंदी राजू श्रीवास्तवा हैं और डॉक्टर ऋचा गौर हैं। तो ये 2 फीमेल हैं और 4 आपके मेल हैं, राइट। इनका जो है आप वेबसाइट पे जा कर के सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल चेक करना है कि कौन किस किस जो है बैकग्राउंड का है, क्योंकि इन्हीं 6 लोगों में से कोई ना कोई एक के बोर्ड में आपका जो है आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको इनके जो है कार्यशैली के बारे में, इनका जो है एक हल्का सा मोटा मोटा अनुमान आपको मिल जाएगा किससे, इसके इनकी प्रोफाइल को थोड़ा सा रीच आउट करके, इनको रीड करके, इनका इनको इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है वहाँ पे प्रोफाइल में, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टी क्या है, इन कहाँ पे है, तो सारे रिसर्च पेपर से लेकर के इन्होंने क्या क्या किया है वो सब कुछ इनके पास है। तो यानी कि आपको अगर जो है आप जैसे इंटरव्यू रूम में जा रहे हो, बोर्ड रूम में जा रहे हो, तो आप जैसे जिसके बोर्ड में जाओगे